Life. Good evening everyone, I'm Pallavi Sabnis again from Colaba Arts. Today I am at Jahangir Art Gallery and with me is artist Mallikarjun Katke. It is his solo show, but they are a part of a team called Potential. And as you can see, their plus point is the kind of display that they do for every art show. So as you can see, we have black walls instead of the regular white walls that we use. And the display is very eclectic. And so let's go through Mallikarjun's artworks a little bit. Mallikarjun, क्या आप थोड़ा सा explain कर सकते हो कि जैसे ये आपने क्या किया है यहाँ पे ये जो मेरा solo show चल रहा है, यहाँ पे पूरा मेरा life का जो अब तक का मेरा journey रहा है, तो मैंने उसको ही represent करने की कोशिश की है अलग अलग media से. Correct. यहाँ पे installations है, यहाँ पे video art भी है, और मेरे कुछ drawings है, और मेरा painting भी किया हुआ है यहाँ पे. तो मुझे आपके ये जो ड्राइंग्स है ना, ये बहुत ही प्यारे लगे, तो एक दिखाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है मुझे. देखिए, अभी ऐसा होता है कि कुछ हम लोग अपने लाइफ में थोड़ा सा पीछे जाके सोचते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, तो बहुत खुश होते हैं हम लोग. कि जैसे मेरा पहला साइकिल था जब मैंने खरीदा, तो वो खुशी थी. और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, हाँ, साइकिल है, और मेरा पहला बाइक, और मेरा मुंबई आना. अच्छा, ये मुंबई रेलवे स्टेशन है. हाँ. तो आप कहाँ से आए हैं? मैं गुलबर्गा से हूँ, बेसिक कर्नाटक से. और मैं अभी कुछ सालों से मुंबई में ही रह के काम कर रहा हूँ. और तो ये सारे बेसिकली आपने आप मेरी स्टोरी है बताई है. मतलब मेरे लाइफ में जैसे जैसे दिन, मतलब मेरे लाइफ में चीजें जो मेरे ख्वाहिशें थी, जैसे मैंने उसको पाते गए. मेरा बहुत, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बुलेट खरीदूं. अच्छा. जैसे मेरे पास बुलेट आया, तो फिर वो खुशी अभी भी याद करता हूँ, तो वो खुश होता है. यहाँ पे एयरप्लेन भी है. मेरा पहला फ्लाइट का जर्नी. आपने एयरोप्लेन भी खरीदा है लगता है? ये मेरा पहला फ्लाइट जर्नी. खरीदेंगे मुझे लगता है. ये क्या है, शादी की? हाँ, मेरा रिसेप्शन वाला चेयर है. और ये क्या है, ये अकेले आप यहाँ पे? मतलब शादी से पहले अकेले थे. अच्छा. और उसके बाद जो हो गया. और अच्छा, मुझे सबसे सो फ्रेंड्स, दिस इज अ लवली शो एंड इट्स गॉट अ वेरी वेरी डिफरेंट लुक टू इट एज यू कैन सी. और ये बहुत मुझे अच्छा लगा है मल्लिकार्जुन, ये क्या है कि आई कैन सी अ क्रेडल हियर, देन अ बेड, एंड इट गोज इनटू समथिंग. सो ये अपना जैसे लाइफ की जर्नी रही है. मैंने यहाँ पे मेन फॉर्म बेड को रखा है. ओके. पहले पालने में सोते थे, फिर उसके बाद एक मम्मी डैडी का बेड था जो वहाँ पे शेयर किया, फिर एक बैचलर लाइफ है. अच्छा, तो एक सिंगल बेड रखा है टू डिपिक्ट द बैचलर्स लाइफ. और ये फिर लाइट्स कैसे आ गए? ये मतलब लाइफ में हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, जो मतलब मैं यहाँ पे जो कॉलेज से बाहर निकला ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि क्या करे अभी. कॉलेज में जब तक थे, तब तक तो एकदम मस्त राजा की तरह थे, सब घर से पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हैं, मस्त मस्ती कर रहे हैं, सब काम हो रहा है. लेकिन वहाँ पे निकलने के बाद रियल लाइफ और रियल स्ट्रगल शुरू होता है कि अभी क्या करें. करेक्ट. सो क्या ये दिखाते, आइडियाज दिखाते हैं? करेक्ट. और अपने आप को ना कॉन्फिडेंट पाना कि करना उस चीज को. करेक्ट. कि हाँ, ये मेरे को करना है, ये नहीं करना है. बिल्कुल. तो वो सब चीजें थी. उसके बाद ये अब तक तो सिंगल था. ओके. अभी सिंगल, शादी के बाद मेरा वही सिंगल बेड, अभी डबल बेड हो गया. तो ये फिर आपने ये थोड़ा सा मागूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट किया है कि ये कैबिन है और फिर यहाँ से हम लोग अंदर झांकते हैं और ये दिखाई देता है. So, तो इसके पीछे का ये रीजन था कि एक बेड, मतलब मेरा पर्सनल बेड है ये. करेक्ट. तो उस चीज को, वही बेड को मैंने क्या किया, रूम बना दिया. तो उस वो रूम, मतलब ये बेड में, इस विंडो में झांकना, मतलब आप मेरे को पूछना. ओके. आप मतलब जब झांक के देखोगे, तब देखोगे कि अंदर कुछ है. मतलब आप मेरे को पूछोगे और मैं बताऊंगा. मतलब अपने आप को जानना, मेरा इंट्रोडक्शन देना कि आप पूछ रहे हो और मैं आपको बताऊं. ओके. और एक रिलेशन है जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन है, उसके अंदर की जो गहराई है. अच्छा. और मैं उसको जोड़ा समुंदर से. अच्छा, समुंदर की जैसे गहराई है और उसके अंदर आप सोचना, मतलब वो. ओके. So wow, that's lovely. So friends, any other questions if you have, because we have the artist with us, so please put forth your questions, give your likes, because it's really lovely art by Mallikarjun. और ये क्या आपने इसमें अब तक, मतलब यहाँ तक आने के लिए ना, बहुत सारे लोगों का मतलब साथ मिलता है. जैसे मेरे साथ मेरा एक टीम है, पोटेंशियल करके मेरा टीम है, जो मेरे को ये सब करने के लिए, जो मतलब
मेरे सपोर्टर्स रहे, मेरे हर एक करेक्ट, चीज को, मेरे इंट्रोड्यूस आइडियाज करो को पोटेंशियल पोटेंशियल को मुझे, इंट्रोड्यूस आपकी करो। पोटेंशियल टीम बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक टीम. दे आर 10 आर्टिस्ट हु वर्क विथ ईच अदर, फॉर ईच अदर एंड टुवर्ड्स ईच अदर. दे स्टैंड टुगेदर यहाँ पे एंड आज डू देयर वर्क. पोटेंशियल की सो राइट ये आप देख सकते हैं पोटेंशियल की यहाँ पे टीम है. सो ये अपनी ग्लैड टीम टू मीट है। यू. हेलो अखिलेश, हाउ आर यू? हाय, एकदम बढ़िया। अखिलेश हैज डन ऑल द इंटीरियर्स, पूरा डिजाइन नहीं उनका नहीं है. ये पूरा जी टीम जी हम लोग मिलके एक डिसीजन ले, क्योंकि हम लोग काम करते हैं ना, जैसे ये अर्जुन ऐसे ही नहीं कर दिया, इसके पीछे हम लोग ने पूरा साइज लेके गए, हाइट लेके करेक्ट, गए, इस जगह के हिसाब से इसने अपना पूरा पूरा शो, प्लान पूरा किया प्रोजेक्ट हुआ. डिजाइन किया। मतलब करेक्ट ऐसे नहीं कि हम काम उठाए और आगे जहांगीर थर्ड गैलरी में, लेकिन करेक्ट. हम लोग इस एक ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीना, 1.5 साल से जब से नंबर आया ना, तब से अच्छा, अर्जुन ने पूरा इस पूरा एक पूरा प्रोजेक्ट साल को, लगाया काम करने इस में, पूरा स्पेस के प्री हिसाब प्लान से किया उसने हुआ. डिजाइन किया है पूरा। करेक्ट करेक्ट. ये है आप अपना, इंट्रोड्यूस करो और आपके टीम मेंबर्स और कौन कौन ये से है यहाँ पे. चिन्ना, चिन्ना मैसेल चिन्ना हमारा, का मैलेश हूँ. होनप्पा हमारा पूरा मैं डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग का, डिजाइनिंग पूरा वेबसाइट ये संभालता है। का वेब मीडिया में हैंडल करता हूँ मैं. अच्छा. एवरीवन अपना अपना टीम का काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं. ग्रुप एक फाइनली एक आउटपुट आ जाता है टीम से. जैसे हम लोग सब लोग मिलके तो डिजाइन करते हैं, जैसे संजीव है, संजीव रश्मि है, वो हमारे प्रिंट पूरा ये मीडिया जो एंड मी कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा, इवोल्यूशन, पूरा प्रोजेक्ट लोगो से का लेके जो लोगो से पूरा लेके, डिजाइन हाँ हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन वो उनका ये होगा. सारा संजीव और रश्मि के द्वारा किया गया है, ये सारा माशाल्लाह, डिजाइन उनके द्वारा किया जाता है, फैंटास्टिक. वेब को पूरा ये डिजाइन करते हैं। बाकी मौसमी और सबरी हम लोग का क्या बोलेंगे, सो यू हैव अ बिग हाँ टीम व्हिच हम मतलब जितने कंट्रीब्यूट्स. लोग, जितने हम लोग आर्टिस्ट हैं ना, खुद डिवाइड किए हुए हैं, तुम ये फैंटास्टिक, देखो, मैं ये देखता हूँ, ये बहुत देखता हूँ, तभी फैंटास्टिक, विदाउट टीम तो हम फैंटास्टिक. मैच तो जीत नहीं सकते थैंक यू. मैच के करीब सर पहुंचते हैं। मधुसूदन सर का हम ये लेते हैं. वी कैन आर्टिस्ट आई नो देन सर. बिकॉज़ एट आर्टिस्ट सेंटर दे हैड अ बिग शो हाँ पोटेंशियल लास्ट ईयर, दैट्स राइट. हाउ आई केम टू आई हैव कम टू नो देम एंड नॉट ओनली मी, डॉक्टर सरयू दोषी एंड ऑल ऑफ ऑल आवर and all the galleries, you know, they all Right. came to Artist Center, and this is the first time he is having a, Mallikarjun is having a solo show. Correct, Actually, correct. They were telling me that they wanted the three part of the the this entire hall, but they couldn't get the dates, and otherwise they would have had all the three artists or, you know, all of them getting correct. together, which is a very interesting, you know, they are very interactive people. I know. And so then they and it's nice to see them all working all working together. That day the so who that our celebrities were here, Mahima Chaudhary was here, okay. and Pooja Bedi was here, so okay. they also, you know, found this more than that, you know, they are very nice people. Of course nice. We can so see it in their art, so too. please come, it's there only yeah. till tomorrow. Yeah, so you still have one so more you day should, I think, because and the enthusiasm yeah. and the